हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा क्रोमो 4 और आगजो क्रोम्स के बारे में। तो आइए हम समझते हैं क्रोमो 4 क्या होता है। क्रोमो 4 को मैं एक कहानी से आपको समझाना चाहता हूं। आप अपने लाइफ में कब हैप्पी रह सकते हैं? जब आपके पास क्या हो, आपके माँ और आपके पिताजी आपके साथ हों, ठीक है? और या तो आपके साथ आपकी माँ, आपके पिताजी और आपकी पत्नी, अगर आपके साथ तीनों, ये दोनों अगर आपके साथ हैं और ये अगर तीनों आपके साथ हैं, तो आप लाइफ में क्या रहेंगे? हैप्पी रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे हमारे क्रोमो फोर्स होते हैं। क्रोमो फोर के पास अगर क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं, अगर उनके पास या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो वो क्या करेंगे, कलर को प्रोड्यूस करेंगे। तो क्रोमो फोर का ही मतलब होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर और फोर का मतलब होता है बियरिंग ग्रुप। और बियरिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, जिस बियरिंग ग्रुप में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या कहेंगे, बियरिंग ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए क्रोमो फोर का मतलब है, क्रोमो का मतलब कलर, फोर का मतलब है बियरिंग ग्रुप या प्रोड्यूस। क्रोमो फोर एक ऐसा एजेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, कलर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? या तो आप दूसरे वे में बता सकते हैं, और करके मैंने अगला डिफिनेशन दे दिया है। क्रोमो फोर एक अनसेचुरेटेड ग्रुप है, मैंने बताया ना, या तो इसमें डबल बॉन्ड रहेंगे या ट्रिपल बॉन्ड, इसी को अनसेचुरेटेड कहेंगे, ठीक है? और वे कोवेलेंटली बॉन्डेड रहेंगे, और यह जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रोमोफोरिक ग्रुप है। और यह भी देखिए, यहाँ पे क्रोमोफोरिक ग्रुप ए भी है, ये भी हमारा क्रोमोफोरिक ग्रुप है, यहाँ पे भी देखिए क्रोमोफोरिक ग्रुप है। आपको बस याद रखना है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हमारा क्या होगा, क्रोमोफोरिक ग्रुप होगा। वह लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कलर को प्रोड्यूस करने की उसके अंदर इंटेंसिटी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे देखिए हमारा जो बेंजीन है, बेंजीन में देखिए यहाँ कार्बन, सब जगह कार्बन है, 6 कार्बन टोटल। अब यहाँ पे देखिए, एक कार्बन मान लीजिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे सिंगल होगा, यहाँ पे डबल, सिंगल, डबल, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट कंजुगेटेड है, सॉरी कंजुगेटेड, ठीक है? जिसमें कंजुगेशन रहेगा वह जो होता है वह 200 नैनोमीटर तक लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? मोर देन 200 नैनोमीटर तक लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अगर जिसमें कंजुगेशन नहीं रहेगा वह लेस देन 200 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का क्रोमो फोर हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा एग्जांपल जो है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोबेंजीन दिया गया है। यहाँ पे देखिए सब जगह जो हमारे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और NO2 ग्रुप है। देखिए NO2 ग्रुप है, अगर NO2 ग्रुप है तब भी यह क्या हमारा है, क्या क्रोमो फोर है, ठीक है? और यह येलो कलर का होता है, हमारा कलरलेस होता है। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और मैं आपको क्रोमो फोर और थोड़ा समझाना चाहता हूँ। क्रोमो फोर देखिए, ये मान लीजिए हमारा सन है, सन से आपको पता है टोटल 7 कलर, मतलब आप पढ़े हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, 7 कलर होते हैं, ठीक है? बिबिग्योर इसका ट्रिक है। तो अगर ये लाइट क्या हुई, ये हमारी लीफ पे ये लाइट जो है पड़ी, ठीक है, लाइट ए इस पे पड़ी, तो ये क्या किया, जो लीफ हमारी इसको लाइट को एब्जॉर्ब कर ली। अब आपके माइंड में आ रहा, पत्ती जो होती है, पत्तियाँ लीफ्स जो होती हैं, हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो अभी यहाँ से आपको वो भी कन्फर्म हो जाएगा।
ठीक है, ये सेवन जो लाइट्स हैं यह आई लीव्स क्या की, इन सबको एब्जॉर्ब की। ठीक है, एब्जॉर्ब और इमिशन क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद इस जो लीव्स हमारी है यह सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, सिर्फ एक लाइट का रिफ्लेक्शन कराएगी। ठीक है, एक लाइट को रिफ्लेक्ट कराएगी, वो कौन सी हमारी, ग्रीन लाइट को। इसलिए हमें जो लीव्स होती हैं यह कैसी दिखेंगी, ग्रीन दिखेंगी। यह भी हमारा क्रोमोफोर का आप एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है अगर देखना चाहते हैं वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उसको देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे अब देखते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। क्रोमोफोर विथ, पहला हमारा क्रोमोफोर विथ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर ट्रांजिशन वाला वीडियो आप नहीं देखें उसको भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसको देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, और इसका जो सेकंड दिया गया है हमारा, सेकंड जो टाइप है क्रोमोफोर विथ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए एग्जांपल दिया गया है, हमारा एग्जांपल है। ठीक है, आप जाके ट्रांजिशन वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पे वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च कीजिए ट्रिक फार्मेसी और टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए। अब देखते हैं, हम बात करते हैं ऑक्सोक्रोम को। ऑक्सोक्रोम, अब मैं आपको एक कहानी और बताऊंगा। ठीक है, आपको कहानी ये है, क्रोमोफोर जो था उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते थे। ठीक है, मम्मी पापा और पत्नी, तब हम खुश रहते थे। और अब हमारी लाइफ में एक और एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं, वो कौन है, फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड है। अगर हमारा फ्रेंड जो है अगर हमारे साथ है तो हम क्या रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो ऐसे ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम जो होता है यह तो स्वयं जो होता है, स्वयं तो कलर को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, लेकिन यह जब क्रोमोफोर से अटैच हो जाता है, जैसे ही डबल और थर्ड बॉन्ड वाले से जैसे ही अटैच होगा, तुरंत क्या करेगा, जो कलर की इंटेंसिटी है उसको तुरंत बढ़ा देगा। ठीक है, अभी देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। देखिए ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम का मतलब है टू इंक्रीज, ऑक्सो का मतलब है टू इंक्रीज और क्रोम्स का मतलब है कलर। ठीक है, ऑक्सोक्रोम जो होते हैं सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, विच आर द नॉट क्रोमोफोर, जो क्रोमोफोर नहीं होते देमसेल्व्स, बस देयर प्रेजेंस कैन काज द इंक्रीज इन कलर इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड। लेकिन जैसे ही ये क्रोमोफोर से, ऑक्सोक्रोम जैसे क्रोमोफोर से जुड़ेंगे, ठीक है, तुरंत जो कलर की इंटेंसिटी है उसको तुरंत बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट लिखा है, इट मॉडिफाइड द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ ऑफ डेड क्रोमोफोर। ठीक है, और ये जैसे क्रोमोफोर से जुड़ेंगे ये जो एब्जॉर्प्शन है वेवलेंथ की, इसको भी मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, मैंने और करके लिख दिया है, यह हमेशा क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम आपको दो नंबर में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा डिफिनेशन में क्या कह रहा है, इट इज़ ए ग्रुप विच इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज ए क्रोमोफोर। ठीक है, बट व्हेन अटैच टू ए क्रोमोफोर, इट शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ अलॉन्ग विथ एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो ऑक्सोक्रोम होते हैं यह स्वयं तो क्रोमोफोर होते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब यह क्रोमोफोर से अटैच होते हैं, जैसे ही अटैच होंगे यह क्या करेंगे, जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, कलर की जो इंटेंसिटी है, यह क्या होगी, यह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप इस इतना ना लिख के आप इतना लिख सकते हैं, इंक्रीज लैम्डा मैक्स ऑफ
क्रोमो 4, ठीक है। लैम्डा मैक्स जो होती है वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अभी देखिए आपको आगे और ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इनको हम एक नाम से और जानते हैं, ऑक्सोक्रोमिक को कलरिंग इंड्यूसिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, या कलरिंग इन्हेंसिंग ग्रुप भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे देख लीजिए उस ग्रुप का नाम लिखा गया जिसमें यह ग्रुप्स हो जाएंगे आ जाएंगे, वो हमारा क्या है, ऑक्सोक्रोम्स है, ठीक है। लेकिन यह उसी के साथ जुड़ेंगे, किसके साथ, क्रोमो 4 के साथ जुड़ेंगे ए ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल इसको मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। तो देख लीजिए हमारा बेंजीन जो है, अभी मैंने पीछे वाले बताया कि बेंजीन जो हमारा, यहाँ पे देख लीजिए बेंजीन क्या था हमारा, एक प्रकार का क्रोमो 4 है। अब देखिए क्रोमो 4 से कैसे क्या कर रहे हैं, ये देख लीजिए आप, क्रोमो 4 है हमारा बेंजीन, क्या है, क्रोमो 4 है, क्रोमो 4 सी एच हमने लिख दिया। जैसे ही क्रोमो 4 से हमने क्या किया, NH2 ग्रुप अटैच किया, अब इसको यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। जैसे ही अटैच होगा, अटैच यहाँ पे कर देते हैं, NH2 ग्रुप हमने अटैच कर दिया, तुरंत इसकी जो है इंटेंसिटी है क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो इसकी वेवलेंथ होती बेंजीन की, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 255 नैनोमीटर होती है, लैम्डा मैक्स क्या होती है, 255। और इसकी जो यहाँ पे जैसे हमने ये ग्रुप अटैच किया, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हम ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है, ठीक है। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जैसे ही हमने इससे अटैच करवाया, देखिए यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी इसी प्रकार है, यहाँ पे हम लिख देते हैं NH2 ग्रुप OR करके OH ग्रुप, अगर हमने जोड़ा इससे ऐड किया तो यहाँ पे देखिए इसकी वेवलेंथ दोनों की बढ़ गई। जैसे ही अटैच होंगे तो लाइट जो कलर की इंटेंसिटी है बढ़ जाएगी। अब आपको आपसे क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि यह हमारा इसमें कौन सा क्रोमो फोर्स है और कौन सा हमारा ऑक्सोक्रोम है, ये दोनों आपको बताना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपसे आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पे जो है वेवलेंथ 255 थी और 270 आ गई यहाँ पे, ठीक है, क्या आप जानना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट में यस। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, वेवलेंथ बेंजीन की हो गई 255 नैनोमीटर, ठीक है। आपने पढ़ा है कि इक्वल टू क्या होता है, 1/λ, ई मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी होती है। और देखिए जो हमारा नाइट्रो बेंजीन यहाँ पे है, नाइट्रो बेंजीन की वेवलेंथ होती है 280 नैनोमीटर होती है। तो देखिए अगर इसका हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर की अगर शिफ्टिंग करवाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी, एनर्जी क्या होगी, घटेगी। आपको पता है जब एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो जो ए वाला डेरिवेशन, ए जो फार्मूला दिया गया है, अगर इसका वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।